नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बोरी बोरा में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गांव के ही दबंग लोग बेखौफ होकर गांव के ही रहने वाले शमशाद के परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के ही कुछ दबंगों ने एक परिवार का जीना मुश्किल कर रखा है। लाठी डंडों के साथ शमशाद के परिवार पर हमला करते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने यदि उन्हें मदद नहीं दी तो वह गांव से परिवार पलायन करेगा। जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बोरी बोरा में शमशाद का परिवार रहता है। परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा कि शमशाद के 6 बच्चे हैं। शमशाद का छोटा बेटा शहबाज है। शहबाज नौगावा सादात के मोहल्ला बिलना में स्थित पहलवान होटल पर काम करता है। 16 मई 2023 की शाम को पहलवान होटल का मालिक शहबाज को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में चक्की के पास गांव के कुछ हथियारबंद दबंगों लोगों ने हमला शहबाज और सुफियान पर कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पहलवान होटल का मालिक सुफियान दबंगों के कब्जे से भागने में कामयाब रहा। सुफियान ने उसके गांव के दबंग लोगों को पहचान लिया और पुलिस को सूचना देने की बात कही, जिसके बाद सुफियान ने इस पूरे मामले की सूचना परिजनों को दी। होटल मालिक की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन शहबाज पूरी तरह घायल अवस्था में नहर के किनारे बेहोश पड़ा मिला था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शहबाज को मेडिकल के लिए CSC केंद्र अमरोहा के लिए भेज दिया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। हालांकि परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर शासन से मदद की गुहार लगाई है। गाँव के ही दबंग लोगों ने एक परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। दबंगों के डर से परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से उन्हें मदद नहीं मिली तो वह गांव से परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मेरा नाम नजमुद्दीन है। क्या मामला है यहाँ? ये मामला ये है कि लड़का जो है रात को 10:30 बजे होटल से काम करके आ रहा था और रास्ते में चक्की के पास में जो उनके परिवार की चक्की है वो लाठी डंडे लेकर तमंचे लेकर वहाँ पे खड़े हुए थे और इसे रोक लिया। रोकने के बाद में इससे गाली गलौज करने लगे और जो पहले झगड़ा हुआ था ईद पर वो उसी झगड़े को लेकर फैसला भी हुआ था, पुलिस ने फैसला भी करा दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि इसका बदला हम दोबारा फिर से लेंगे और फिर भी उसके साथ मारपीट की और इस बार ऐसा मारा कि इसे मारते हुए घसीट कर ले गए थे। और जो लड़का इसे होटल का मालिक सुफियान था वो इसे छोड़ने आ रहा था उसे बाइक पे से उतार लिया। वो किसी तरह इसे मार पिटाई में मशक्कत करते हुए वो वहाँ से भाग गया। भागने अच्छा। के बाद में उसने सूचना दी, घर को फोन किया। जब परिजन पहुँचे यहाँ से जब परिजन वहाँ पे पहुँचे तो परिजनों ने काफ़ी मशक्कत करने के बाद शहबाज को ढूंढा तो वो किनारे पड़ा हुआ मिला और बेहोश हालत में मिला और उसके बाद में उसे लेकर पुलिस को पहुँचे और वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा कि आप इसकी जो है जाँच कराइएगा, डॉक्टरी कराइएगा। और पुलिस को 16 तारीख में ही सूचना दे दी गई थी और जिसकी नकल ये हमारे पास है। पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है लेकिन उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब कल हमने जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो कल हमने SP ऑफिस अमरोहा में जाकर तहरीर दी फिर से लिखकर, वो तहरीर की नकल ये है। और उसके बाद में हमने एक तहरीर दी जिलाधिकारी को, उसकी नकल ये है, इंसाफ दिया जाए। अभी अभी मालूम हुआ है कि ये कब्रिस्तानों से जो रास्ता आता है इधर से लाठी डंडे लेकर और तमंचे लेकर जो दबंग लोग हैं उन्होंने इधर हमला किया था। हमले में जो कुछ लोग हैं इधर उधर भाग गए थे, भागने के बाद में और जो भीड़ इकट्ठी हुई तो कुछ लोग जैसे मोबाइल लेकर चले और सूचना करने पर जो इधर को वो वापस। और उनका कहना ये भी है कि अगर हमें जेल होगी तो हम कुछ भी करके अपनी पार्टी के एक आदमी मार के जो उनके साथ में बदमाश गिरोह है और इन्हें भी जेल करा कर ही रहेंगे साथों साथ और फिर अंदर जेल में जाने के बाद ही परेशान करेंगे। लगभग 14-15 के आसपास आदमी हैं और जिसमें नाम लिखा हुआ है पप्पू, अनवार खां, नवाजिश, सोनू, मोनू, जुबैर, मुस्तकीम, राहुल, इंतजार, भरतू, नौशाद व 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं। इरशाद ये इधर से आते हैं और लठिए और तमंचे लेकर आते हैं और गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। इस जगह हमारी माँ बहन खड़ी रहती हैं और वहाँ से उधर से ये भागे हुए आते हैं और जिलेदार है, तहजीब है, इंतजार है,
आठ नंबर की फाइल ठवा के देखो इनकी, ये वैसे भी तरी पहाड़ है, ये वैसे भी आठ नंबर और तरी पहाड़ है, और इनमें जिला बदर भी है। ये दबंग लोग है, दबंग लोग है, ये मारते हैं इस लड़के को, इस लड़के को इतना मारा है, इतना मारा है कि बेहोश ठा के लेके आए हैं सबाज को। मैं सबाज की खाला हूँ। इतना मारते, आते घरों पे हमला करते, इधर से आते कब्रिस्तानों की तरफ से तमंचे लेके आते हैं, डंडे लेके आते हैं, इंतजार तहजीब नवाजिस ये सब हैं जिलेदार, पूरा गिरोह है इनका। इन्होंने परेशान कर रखा, बहू बेटियों का निकलना बढ़ना बंद कर रखा है, रास्ते रोक रहे हैं, रास्ते में बच्चों को भी मार रहे हैं, बड़ों को भी मार रहे हैं, इकला देख के सबको मारते हैं। किस बात को लेके? किस बात को लेके? कोई भी बात नहीं, ये मैच खेलता, मैच में लड़ाई हुई लड़के की, लड़के की मैच में लड़ाई हो के देख के हाँ ऐसे करते हैं। नु कहते हैं तुम कहीं कहीं तक भी जाओ, कुछ सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी, थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होगा, हम पैसे वाले लोग हैं, हम पैसा भर के कुछ भी कर लेंगे, ये सब बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं, घर बेच के जाएं, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को कैसे संभालें। आगे से कुछ भी ऐसा मामला रहा तो हम प्लान पे तरियांगे, घर बेचेंगे, गांव छोड़ेंगे, जाएंगे यहाँ से, क्या करें हम, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या करना है हमें, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ किसके सहारे पड़े जाके। जी मुझे वहाँ पर रोका, तमंचे लगाए मेरे, अब मैंने पैर पकड़े सबके, फिर चक्कू मारा मेरे पीछे से, फिर मारा तमंचे की वो मारी पीछे से कमर पे, किन लोगों ने और पैर पकड़वा रहे थे सब, मिस से सबके पैर पकड़े मैंने, ये चाकू का निशान है पीछे, ये डंडों के निशान है, फिर मुझे ढेर बैठा के लेकर आए वहाँ मारा। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।